रिस्पेक्टेड लीडर्स, आप सभी लोगों को बलराम तिवारी का सादर प्रणाम। आज मैं आपको डिजिटल एजुकेशन पर आधारित टेलीग्राम, जो कि आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो टेलीग्राम है आपका, ये ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, परंतु टेलीग्राम में कुछ विशेष फीचर्स होने के कारण टेलीग्राम को यूजर्स ज़्यादा यूज करते हैं, उनकी अपनी USPs हैं। तो आइए चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि टेलीग्राम को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सर्वप्रथम आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टेलीग्राम। इसी तरीके आप इसको सर्च कर लीजिएगा। जब आप इसे सर्च करेंगे, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। चूँकि मेरे पास था, बट मैंने उसको आपको एजुकेशन देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उसे डिलीट कर दिया था। तो ये इंस्टॉल हो रहा है आपकी आंखों के सामने। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब हम लोग ओपन पर क्लिक करेंगे। तो लेट इट बी, ये कंप्लीट हो जाने देते हैं। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका टेलीग्राम डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आंखों के सामने सारी चीज़ें होंगी, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अभी ये बता रहे हैं कि टेलीग्राम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैसेजिंग ऐप है, फ्री है, सिक्योर है। इनकी जो खूबियां हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहे हैं, राइट। ये सारा इसको आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं या स्टार्ट मैसेजिंग पर सीधे आप टच करेंगे। जैसे ये करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको अलाउ करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है जितने मैसेज आएंगे, और यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए। इंडिया ऑटो मोड पर ले लिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, राइट, जो आपका मोबाइल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डालूँ 97 92 17 16 58, जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पर कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, जैसा कि पहले था ही, अभी भी मैं डाल सकता हूँ इसको इंडिया। जैसे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर +91 ऑटो मोड पर आ जाएगा, और आप इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर से आप कंटिन्यू क्लिक कीजिएगा, फिर से आप अलाउ करिएगा, इसको परमिशंस दीजिएगा। इस तरीके मित्रों, आप देखें तो ये टेलीग्राम आपका जो है रेडी हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चूँकि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट ये हमारे अकाउंट को ओपन करके दे दिया। जब आप लोग इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, तो जैसा अभी मोबाइल नंबर मांगा था, सेम प्रोसेस उसी तरीके होता है। वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक साइन इन का आएगा, एक साइनअप करने का आएगा। तो आपको साइन अप करना है, पहली बार अगर आप करने जा रहे हैं, तो आपको साइन अप पर क्लिक करके यही सारा प्रोसेस करना होगा जो मैंने अब साथ में किया। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, राइट, इंडिविजुअल भी दिख रहे हैं, जो भी लोग हैं सारे ये बने हुए हैं। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे क्या होता है कि अपन लोग जो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप, तो व्हाट्सएप में भी यही सारे फीचर्स आपको दिखते हैं, जो फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब का आप इस्तेमाल उसी तरीके सेम टू सेम कर सकते हैं। परंतु मैं विशेष बात करूँगा टेलीग्राम का, जिसका अभी हम लोगों को उपयोग है, वो है मीटिंग का, राइट। पर यहाँ पर दोस्तों आप नए ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ग्रुप यहाँ पर क्रिएट होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया, नीचे ये जो निशान पेंसिल का बना हुआ, इसको हमने ये टच किया। यहाँ पर देखिए, न्यू ग्रुप, न्यू सीक्रेट चैट, न्यू चैनल, जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने का वही प्रोसेस है जो हम लोग पीछे किए थे। अगर न्यू ग्रुप पर मैं क्लिक करता हूँ, तो पहले ये मांगेगा कि आप कितने लोगों को सिस्टम में लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को आप ऐड करिए इसमें, एक दो लोगों को, तो मैं एक दो लोगों को, किसी को भी मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, रैंडमली मैं ले ले रहा हूँ। और नीचे का ये जो एरो का निशान, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेम मांग रहे हैं। यहाँ ऊपर हम ग्रुप का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जगह पर हम फोटो लगा सकते हैं, और उसके बाद हम जैसे ये सही वाले निशान पे नीचे क्लिक करेंगे, हमारा ग्रुप बन करके रेडी हो जाएगा। बट इससे इम्पॉर्टेंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो है वीडियो चैट जो हमारा चलता है, जो वीडियो ऑनलाइन मीट चलती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आप शेड्यू कैसे करोगे। जैसे ये मैंने एक ग्रुप खोला givenTech.word का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस पर ऐसे टच करेंगे। टच करने के बाद ये तीन बिंदियाँ जो हैं साइड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो चैट। तो आपको क्या करना है, मीटिंग शेड्यूल करने के लिए स्टार्ट वीडियो चैट पर क्लिक करना है, जैसा मैंने किया। अलाउ कर देंगे, चूँकि फिर से मैंने इंस्टॉल किया इसको।
तो अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहे हैं, पहला स्टार्ट वीडियो चैट, आप तुरंत शुरू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और शेड्यूल करना चाहते हैं कि हाँ भाई हमको इस टाइम पे चाहिए तो इस तरीके आपका बॉक्स खोल करके आएगा। हाँ, यहाँ जो टाइमर लगा हुआ है दोस्तों, वो टाइमर 24 घंटे वाला लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए 17 का मतलब हो गया 12 के बाद आप काउंट कर लीजिए, तो आप देख सकते 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 17 का मतलब हो गया 5 हो गया आपका। तो जो भी इस तरीके है आप यहाँ पर टाइम शेड्यूल कर सकते हैं उसका, मीटिंग का जो भी है। अभी मैं यहाँ पर शेड्यूलिंग नहीं करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लाइव चैट करूँगा, और हो सकता है दोस्तों कि इसमें जो होगा क्या होगा कि आपका मेरी आवाज़ ना आए, बट प्रोसेस आप सारा यहाँ पर जान जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट वीडियो चैट पर आऊँगा, और स्टार्ट वीडियो चैट पर मैं सीधे क्लिक कर दूँगा। अभी देखिए मित्रों, जैसे ही मैंने स्टार्ट वीडियो चैट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वॉइस मेरी प्रॉपर जा रही है आपके पास, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और जितने लोगों को मैंने लिंक भेजा हुआ है या मैं अगर किसी को इनवाइट करूँ तो इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करके, अब यहाँ से कॉपी इनवाइट लिंक जो इस पर टच करके, जिस किसी को भी वो लिंक भेजेंगे वो लिंक के ज़रिए हमारी इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं और सिंगल क्लिक में ज्वाइन होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये खास चीज़ है इसका। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका माइक होता है, यहाँ से आप अपने माइक को म्यूट का मतलब बंद करना और अनम्यूट का मतलब ओपन करना यानी खोलना। जब आपको बोलना हो तो आप क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे, पहली बार जब टच करेंगे तो आपका हैंड रेज होगा, अगर हैंड रेज के लिए बोला जाए तो आपको इसी पर क्लिक करना है, हैंड रेज होगा। उसके बाद जब आपको उधर से वो अलाउ कर देंगे, देन फिर दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा और आप अपनी बात वहाँ पर रख पाएंगे, राइट। तो अभी देखिए फरहान सर जो है यहाँ पर जुड़ गए, चूँकि ग्रुप में ही हैं, तो सर मैं आपको अगर आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर कैमरा जो है इसको जब आप ऑन करेंगे, ये वाला जो आपका है, ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, कैमरा आपको ऑन नहीं करना है, और जब मीटिंग आपको लीव करना हो तो सिंपल लीव पे क्लिक करना है। तो ये तीन खास बटन है माय डियर फ्रेंड्स जिसको आपको विशेष तौर पर यूज करना है। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर स्क्रीन शेयर करना होगा तो आप ये ऊपर की तीन लाइन बिंदियाँ जो हैं ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आप देख लें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आप शेयर स्क्रीन पर आ जाएंगे। शेयर स्क्रीन के बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ लिखा है, आपको